तो ये देखें इसके अंदर भी अंडा आ गया, ठीक है। दो एग्स इसमें आ गए, एक एग इसमें आ गया और दो इसमें आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी को मैंने जो ना मेरे वो बॉक्स मिसिंग थे कुछ, जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शहजाद। देखें जी माशाल्लाह हमारी पेंगुइन्स, और पेंगुइन्स ने कह लें कि नेस्टिंग वगैरह कंप्लीट कर ली हुई है, और माशाल्लाह आज मैंने देखा वो जो परले वाली टॉप पे मटकी है ना, और वो वाली फीमेल ऊपर से देखो तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह दो अंडे जो है ना वो नज़र आ रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अगर जूम करके दिखा सकूँ इस टॉप वाली के अंदर, वो देखें आपको नज़र आए दो माशाल्लाह बोले, वो देखें। तो माशाल्लाह जी पेंगुइन के अंदर हमारी ब्रीड स्टार्ट हो चुकी है, तो ये देखें वो हल्के से आपको मदम से नज़र आ रहे होंगे मैंने जितना जूम किया, क्योंकि कॉलोनी में अंदर मैं नहीं जाऊँगा, छोटी कॉलोनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी तीन फीमेल्स हैं इधर, एक ने तो एग लेइंग कर दी है, दूसरी भी इंशाल्लाह ये वाली जो है ना वो सेकेंड में जा रही है, तो दो चार रोज़ में मे बी वो भी दे, और थर्ड जो है उसको मे बी थोड़ा सा देर लगे, क्योंकि उसकी नीचे से हल्की फुल्की चर्बी आई हुई थी, लेकिन इंशाल्लाह वो भी कह लें कि हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये थी प्रोग्रेस जी हमारी आपके सामने बनाई, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि एग लेइंग शुरू हो गई है पेंगुइन्स की। तो नीचे देखें जी मैंने कुछ ये घर में आजकल बच्चे जो अक्सर हैं वो गोश्त वगैरह तो खाते नहीं हैं, तो एग्स वगैरह मॉर्निंग में बनाते हैं, तो मैं उसको नेचुरल जो एग है ना, देखिए आप एग को बॉयल करते हैं वो भी छिलका ठीक है, अगर आपको नेचुरल वाले आप तोड़ के जो बना लेते हैं और साइड पे छिलके रख देते हैं, वो वाले छिलके अगर घंटा डेढ़ धूप में रख के आप उसके बाद इनके आगे डाल दें तो ये बहुत ही अच्छे हैं, उससे होता है कि कैल्शियम बड़ा वाफर मिकदार में इनको मिलता है। सेकेंड हमारी इस कॉलोनी में एक और चीज़ जो हमने की, एक तो हमने उस दिन आपने आपको मैंने दिखाया कि हमने ये वाला जो अपना क्रस्टेड का बच्चा था बड़ा हो गया था ये वाला, इसको हमने छोड़ा है ठीक है कॉलोनी के अंदर, और मैंने एक वाइट फीमेल छोड़ी और दूसरी दो फीमेल्स हमने और छोड़ी थी। उसके अलावा मैंने क्या किया कि एक क्रस्टर्ड का मुझे पेयर मिला था, तो यहीं से एक भाई थे वो सेल कर रहे थे, उसमें ये वाली फ़ीमेल है, ये देखिए ऊपर वाइट वाली ये जो जाली के साथ है ये उड़ के वो उधर गई है, देखिए ये क्रस्टर्ड की फ़ीमेल है, और ब्लैक चिक क्रस्टर्ड का जो है ना वो मेल है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें सेकेंड पे ये वाला नहीं है वो नीचे देखें ये वाला, ये देखें बड़ी प्यारी अम्ब्रेला इसकी जो है ना वो है, ये देखेंगे नीचे आके बैठ गया, ये अम्ब्रेला क्रस्टर्ड इसकी जो है ना वो है ऊपर से, तो इसमें और ये ब्लैक चिक स्प्लिट बीबी है ठीक है। तो इंशाल्लाह ये जब मिलेगा हमारी किसी भी ब्लैक चिक ब्लैक ब्रस्टर्ड वाली स्प्लिट ब्लैक ब्रस्टर्ड वाली फ़ीमेल के साथ, तो इंशाल्लाह ये बहुत प्यारे बच्चे क्रस्टर्ड में निकालेगा ठीक है। तो ये मुझे मिला था कुछ दोस्त थे उन्होंने बस दे दिया, उनसे मैंने ले लिया जाके, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा मुझे ये बहुत प्यारा मेल लगा, इंशाल्लाह ये भी आएंगे इनके भी एग्स वगैरह, तो फिर इंशाल्लाह हम उनको जो है ना मैं आप लोगों से वो भी शेयर करूँगा, इंशाल्लाह ये प्रोग्रेस अच्छी देगा ठीक है जी। तो ये क्रस्टर्ड की फ़ीमेल, तो ये एक पेयर ऐड किया है मैंने, 16 पेयर हमारे इधर हो गए हैं बड़े वाले, और उसके अलावा एक बच्चा क्रस्टर्ड का पट्ठा कह लें है तो वो भी फुल तैयार, और दो फीमेल हमने नॉर्मल और एक वाइट वाली छोड़ी थी वो हमारे सामने। तीसरी एक और बात जो बच्चा इजाबेल का मैं फीड करवा रहा था वो देखें नीचे बैठा हुआ है, तो अब मैं सुबह फीड करवाता हूँ तो इसको इधर छोड़ देता हूँ ताकि ये ना इनके साथ लर्निंग कर सके ठीक है, और फिर मैं इनको दोबारा दोपहर को फीड कराता हूँ, अभी मैं मगरब के टाइम इसको फीड कराऊँगा और इधर ही छोड़ूंगा ठीक है। ये आगे कुछ फीड की वो बालों पे लगा हुआ था इसलिए इसके चिमटे हुए हैं, जैसे गीला गीला अभी नहा के निकला है, तो इसके ऊपर ना वो मैंने फीड करवाई तो इसके ऊपर गिर जाती है, ज़ाहिर है फीड हैंड फीड करवाएंगे तो ये फुदकते हैं तो उससे थोड़ा सा कह लेंगे ऊपर नीचे गिर जाती है, तो इस तरह का इसका माहौल बना हुआ है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है अभी, क्योंकि नीचे जा रहे हैं दूसरे भी जितने भी और हैं बच्चे, तो वो इसके साथ फिर जो है ना वो इंशाल्लाह ये लर्निंग कर जाएगा दो चार रोज़ में, और फिर इंशाल्लाह फ्लाइंग करना शुरू, उड़ता है उड़ के मैंने इसे देखा था इस पे बैठा था इस वाली स्टिक के ऊपर, तो इंशाल्लाह ये करेगा। उसके अलावा हमारा जो ओबीबी भी है वो माशाल्लाह कलर निकाल रहा है, वो देखें एंड के ऊपर उड़ के इधर आ गया, किधर गया ऊपर बैठ गया,
ये देखे माशाल्लाह ऑरेंज के कितने कलर निकाल रहा है ये ओबी बीवी वाला जो हमारा बच्चा था। अब बारिश हुई है बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, आज सुबह सुबह बहुत ज़्यादा बारिश हुई है इधर, तो जिसकी वजह से ये है वो वाला, तो बस एक जो है ना इसकी हालत ख़राब हुई है, ये नॉर्मल वाला ज़ेबरा जो है ना ये इसकी थोड़ी सी हालत ख़राब है, इसको लगे हैं पेचेस। मैंने ना इसको इधर मैंने सबको जो है ना वो दिया है अल्लाह भला करे फ्लैजल आज सुबह, मैंने कहा अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये बारिश की वजह से सुबह पानी अंदर आया था इधर नीचे, तो थोड़ा सा ना ये हो गए हैं इस तरह से, बाकी सारे ठीक है। एक वो है अंदर ये वाला जो शहजादा है, इसको लगता है ठंड ठंड लगी है, ये इधर टकरा रहा था, पेचेस भी इसके शुरू हो गए हैं दोपहर से, तो मैंने इनको ना दोपहर को मैंने फ्लैजल दिया है एक छोटे पॉड में, कह लें कि 3-4 कतरे डाल के, ठीक है जी। तो ये वाली कहानी थी नीचे हमारी इसकी स्टोरी फ्लाइंग केज की, और हमारी ये वाला जनाब, और माशाल्लाह हमारी पेंगुइन की कि इन्होंने भी एग लेइंग कर रही है। अब मैं ऊपर चलता हूँ, कुछ 2-4 चीज़ें आप लोगों से ऊपर शेयर करनी है, मैं ऊपर चलता हूँ और फिर आप लोगों से शेयर करता हूँ वाली की कहानी आपसे शेयर करते हैं। माशाल्लाह वही इसके अंदर बच्चे हैं, मैंने आप लोगों को दिखाए थे, उसके अंदर 2 बच्चे थे, एक बच्चा बाहर निकला हुआ है, वो शायद नीचे घुसा हुआ है कहीं, मैं आपको अगर दिखाऊं, वो देखे नीचे बैठा हुआ है, इसके नीचे वो वाला जो आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा करूं तो ये देखो ये नीचे बैठा है ये बेबी, ठीक है आपको नज़र आया, वो नीचे घुस के बैठा हुआ है, कंफर्टेबल फील कर रहा है, तो ये बाहर निकला है, ये माशाल्लाह इस पे लगता है ये वाला इसका बाप है, ये वाला सेम कलर यही है अब, लेकिन ब्लैक चीक है, ये वाला ऑरेंज चीक है वो ब्लैक चीक है, ठीक है तो यही वाला कलर निकाला है इसने, ऊपर से यही कलर है पूरा लेकिन ब्लैक चिक है, और दूसरा जो है वो मेरे ख्याल में वाइट है, तो क्योंकि ये एक मेल था, थोड़ा सा मैंने चाह रहा था इस तरह के भी निकलने चाहिए, तो फिर मैंने इसलिए ये मेल छोड़ा था अंदर, लेकिन हमारा मूड प्योर स्नो वाइट का था लेकिन मैंने वो छोड़ा। अच्छा एक और चीज़ जो शायद मैंने आप लोगों से पहले शेयर की है कि नहीं की, ये वाली हमारे इजाबेल का पेयर था इधर, इन्होंने एक बच्चा निकाला था, तो बाकी अंडे थे वो ख़राब हो गए, तो मैंने वो बच्चा इधर से उठा के ना ये वाली जो मटकी है इसके अंदर एक बेबी एक्सपायर हो गया था पहले, क्योंकि पानी आया इस साइड से और ऊपर से गया पानी, तो मैंने सफाई करके ये दोबारा लगाई है अंदर से, तो मैंने फिर वो एक बेबी उसका बड़ा था उसके साथ छोटा बेबी मैंने साथ वो इसके रख दिया, तो इजाबेल का एक बेबी इसके अंदर है जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये पल जाएगा। और ये वाली जो है उसके अंदर भी माशाल्लाह एगलिंग आ चुकी है, ये वाली जो टोकरी है इसके अंदर 4 एग हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी कह लें कि एगलिंग कर दी हुई है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाए हमारी बंगलाइज में, मैं तो समझ रहा था कुछ इसमें पट्ठे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2 जो है ना उन्होंने एगलिंग स्टार्ट कर दी है। फॉर एग्जाम्पल ये वाली एक बंगलाइज थी, अभी ये अंदर है, ये देखें दोनों अंदर बैठी हैं, इन्होंने एक अंडा दिया हुआ है, ये वो देख लें आपके सामने, ठीक है मैं ज़्यादा नहीं करूँगा ताकि ये डिस्टर्ब ना हो, ठीक है निकल ही गई हैं। उसके अलावा हमारा ये ऊपर है एक ये वाला, इसके अंदर भी एग आ चुके हैं, ये भी बंगलाइज है, तो माशाल्लाह ये तो ब्रीडर पेयर हमें कंफर्म हो गए, निकल गई है, तो ये देखें इसके अंदर भी अंडा आ गया, ठीक है 2 एग्स इसमें आ गए हैं, एक एग इसमें आ गया और 2 इसमें आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी को मैंने जो ना मेरे वो बॉक्स मिसिंग थे कुछ, आपको याद है कि बॉक्स कम पड़ गए थे, तो मैंने क्या किया कि ये वाला इसको टोकरी लगा दिया, बंगलाइज है मुश्किल नहीं है, टोकरी के नीचे वो स्टिक रख के ईजिली ऊपर फंस जाती है, आप इसी तरह निकाल लें और वापस डाल दें, इसी तरह मैंने टोकरी इधर भी लगा दी है, ऊपर से उतार के इधर भी लगा दी, क्योंकि ये बंगलाइज हैं तो ये अच्छे तरीके से उधर कर लेंगी, फिर तो हम अंडे रखने हैं, बच्चे निकल आएंगे तो इंशाल्लाह ये पालेंगे उधर, और इधर भी हमने टोकरी लगा दी है, ठीक है। तो ये थी कहानी बंगलाइज की, ऊपर मैंने बॉक्स उतारे हैं कुछ, उसकी वजह यह है कि ये जो हमारी गोल्डियंस हैं अग्रेसिव हो रही थी, तो मैंने ये 3 वाले बॉक्स उतार लिए, उनके अंदर मटकियाँ लगा दी हैं, ज़ेबरा है हमने फॉस्टर तो करना नहीं है, तो मैंने कहा इन तीनों में तो मटकियाँ लगाओ ना, तो ताकि ज़ेबरा अंदर ही पालेगी और अंदर ही बढ़ेगी उसकी, हमने उसको फॉस्टर करना नहीं है, तो एक मैंने मटकी इसको दे दी है, ये वाला घर का मेल था गोल्डियन का सॉरी बॉक्स दे दिया इसको मैंने, फीमेल अग्रेसिव थी तो मैंने कहा चले खेलते रहे। और उसके बाद फिर ये लटीनो वाले तो माशाल्लाह दोनों ही बड़े अग्रेसिव थे, और मेल भी फीमेल भी,
बार बार वो वाले बॉक्स की तरफ बड़ा अग्रेसिव फ्लाई कर रही थी और जैसे उसको जो ना पाना चाह रही थी। तो मैंने कहा यार मौसम भी ठीक हो गया तो इससे बेहतर है कि ये कुछ करें तो इनको अपना इनका बॉक्स दे दो। इस लटीनो और गोल्डियन वाले जो कॉमन है उसको भी, फीमेल लटीनो और कॉमन वाला मेल उसको भी मैंने दे दिया है। उसके बाद आ जाओ तो ये सेकंड लटीनो फीमेल और जो मेल है उसको मैंने ये वाला बॉक्स दे दिया। तो ये दो को मैंने बॉक्स दे दिया और एक वो गोल्डियन वाला तीनों। और नीचे ये दो पेड़ है, ये तो घर का था मेल फीमेल, तो इनको भी बॉक्स दूंगा मैं, दो बॉक्स लाएंगे ईद के बाद। और ये वाली फीमेल थोड़ा सा इसको मोशन लगे थे, मैंने इनको भी फ्लैजल दिए तो अब माशाल्लाह बहुत बेहतर फील कर रही है। दो तीन दिन से, चार दिन हो गए देते हुए, तो एक दो दिन से आज तो माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्टिव है। मैंने इसको स्टिक सेकंड भी दे दिया इधर ताकि ये थोड़ा फ्लाई करे और हो जाए उसके। उसके बाद माशाल्लाह आप आ जाएं जी इस पेड़ के ऊपर। इसके हमने एग पहले फोस्टर किए थे तो इन्होंने अभी तक कह लें कि एग लेइंग स्टार्ट नहीं की, तो इंशाल्लाह दो चार रोज़ में इसके आ जाएंगे। उसके बाद आ जाएं जी हमारा योमो है, तो ये पांच एग ले करके, फोर एग ले करके बैठी हुई है। फीमेल देखे इनसाइड है और योमो मेल हमारा आउटसाइड है माशाल्लाह। और ये वाली जिनका वो पहले बच्चा निकला था, इसने भी माशाल्लाह चार एग्स ले किए हुए हैं और फीमेल दोबारा बैठी हुई है। ये वही मेल है, ये वही कपल है, मेल फीमेल वही पेयर है जिसने पहले हमें ओ बी 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 का एक बेबी दिया है। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी एक दो, एक फीमेल और एक मेल निकलेगा इंशाल्लाह ओ बी 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 का। चार एग्स ले कर चुकी है ऑलरेडी, तो पांचवा जो है ना वो करीब है। उसके बाद आ जाएं जी आगे अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाला जो पेयर है जिसमें हमारी बी सी बी बी स्प्लिट ओ बी, ये फीमेल ओ बी की स्प्लिट है और मेल हमारा ओ बी स्प्लिट बी बी, यानी कि मेल जो है वो ऑरेंज ब्रस्टेड स्प्लिट ब्लैक ब्रस्टेड और फीमेल हमारी बी सी बी बी की स्प्लिट ओ बी की स्प्लिट, ठीक है। और ये वाली है, इन्होंने भी माशाल्लाह एग दिए हुए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखें जी माशाल्लाह ये चार एग्स इन्होंने ले किए हैं। उसके बाद ये वाला जो हमारा पेयर है, आपको याद हो मैंने इसके अंडे फोस्टर किए थे नीचे कॉलोनी में, हमारी बी सी बी बी की फीमेल लाइट बैग में और मेल वो हमारा ब्लैक ब्रस्टेड प्योर, ठीक है। इन्होंने भी माशाल्लाह दो एग या एक एग शायद दो एग ले किए हैं। आपको मैं अगर दिखाऊं, नजर आए वो देखो एग आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है वो देखें नीचे, ठीक है माशाल्लाह इन्होंने भी एग्स ले किए तो काफी जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह है ना वो वाली ऊपर वाली हमारी जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह है ना वो वाली ऊपर वाली हमारी इंग्लैंड मेल है भी एग ले लिया हुआ है। तो मैं अगर देखूं आपको एक भी आप माशाल्लाह बहुत अच्छे से वाली, ठीक है जी। तो ये वाली चीजें थी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। एक भी आप माशाल्लाह बहुत अच्छे से वाली, ठीक है जी। तो ये तो ये वाली चीज़ें थी जी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था। होपफुली आप लोगों को प्रोग्रेस अच्छी लगी होगी, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये सब जो है ना वो अपनी अगलिंग पे चले जाएंगे, तो इंशाल्लाह फिर अच्छे बच्चे जो है ना वो आना शुरू हो जाएंगे। तो माशाल्लाह ये एक बेबी है वो देखें फीड करवा रहा था उसका भी वो नीचे आप बेबी, ठीक है जी। तो चलें, अगर नए हैं मेरे चैनल पर सब्सक्राइब, मुझे दुआओं में याद रखें। होपफुली आपके बर्ड्स भी अच्छे होंगे, अपने माँ बाप का ख्याल रखें और मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक सब भाइयों को और सब देखने वाले व्यूवर्स को। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।